मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा का मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, एक अनग्रुप डाटा हम क्या करते हैं, उसमें सारी वैल्यूज को सम कर देते हैं, इसलिए सम ऑफ एक्स लिखा हुआ। ठीक है, सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया। जैसे ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सारों को हमने मीन निकालना है ना, सारों को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर। अब फाइंड द मीन ऑफ 6, 11, 5, 2, 9, 7, 8, टोटल वैल्यूज कितने, टोटल वैल्यूज 8। ठीक है, सारों को ऐड किया, सारों को ऐड करके 8 पर डिवाइड कर दिया, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 8। तो यहां से इसका मीन निकला 7। लाइकवाइज एक और है, ठीक है, इसमें भी 8 वैल्यूज ही है ना, तो सारों को एडअप करके डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, अनग्रुप डाटा का मीन मिल गया।